एक होर टूल प्लाजा क्रॉस कर लिया वा। इतों शादरा जिहड़ा वा उह 17 किलोमीटर दूर आ। उतों असी जिहड़ा ना मैट्रो दे नाल नाल असी जिहड़ा वा जावांगे कसूर। होर थोड़ी देर तिकर असी इंशाला कसूर भी पहुँच जाना वा। उत्थे नाश्ता करांगे कसूर पहुँच के, नाले तुहानू कसूर दीआं मुख्तलिफ जिहड़ी आ जगह वा उह दिखावांगे। हुण इंशाला थोड़ी देर तिकर असी लाहौर पहुँच के उतों अगे कसूर निकल जाणा। लाहौर पहुँच गए हाँ और मेरी बैक साइड से तुम देख सकते हो, यह देखो ए दरियाए रावी आ जिहड़ा जिहड़ा सर्विस रोड है यदा जा रहा। इधर असी जाना वा चूंकि नक्शे के मुताबिक तो सानू ये यही जिहड़ा ना वो दस रहा वा असी जिहड़ा जा रहे हैं। और इंशाल्लाह तुहानू ए मैट्रो जा रही है चैक करो, तुहानू इंशाल्लाह पहुँच के उत्ते जिहड़ा वा ना दरबार जिहड़ा बाबा बुल्ले शाह दा इंशाल्लाह वो दिखावांगे। असी जिहड़ा वा अज दा सफर बाइक ते कर रहे हैं। यह देखो जिहड़ा मेरा दोस्त खड़ा वा बाइक ते और मैट्रो चल रही है। मैनू जिहड़ा दस्या गया सीगा, मेरे दोस्त ने दस्या सी कि मैट्रो दे नाल नाल जाके अग्गे तुसीं, वैसे मैं जिहड़ा ना मैप लगाया थी है ना, उन्हें मैंने सिर्फ ये दस्या कि मैट्रो के नाल नाल जाना वा, मैट्रो नहीं छड़नी। उस तो बाद अगे जिहड़ा वा ना फिर तुसीं किसी नूं लागे पूछ लियो तो तुहानूं उत्थे जिहड़ा ना एक रस्ता निकलता वो सीधे ही पहुँचा दोगे। चलो मैं जी कसूर पहुँच के बाबा बुल्ले शाह के दरबार से पहुँच गया। अंदर कवालिया का सिलसिला जिहड़ा वो जारी आ, अंदर तुहानू जिहड़ा वा वो दिखाने अंदर। चलो फिर अंदर चलते हैं जी। हज़रत बाबा बुल्ले शाह एक पंजाबी सूफी शायर थे। बाबा बुल्ले शाह का असल नाम अब्दुल्ला शाह है। आप रहमतुल्ला अलैह 3 मार्च सन 1680 में मुगलिया सल्तनत के अरूज में ऊंच गिलानिया में पैदा हुए। कुछ अरसा यहाँ रहने के बाद कसूर के करीब पांडो में मुंतकिल हो गए। इनके वालिद सखी शाह मोहम्मद दरवेश मस्जिद के इमाम थे और मदरसे में बच्चों को पढ़ाते थे। मैं पहुँच गया जी बाबा बुल्ले शाह के मज़ार से। इधरली साइड से तबरकात रखी है। इन्हों का जिहड़ा हज़रत बाबा बुल्ले शाह का पूरा नाम अब्दुल्ला शाह सीगा और ये ऊंच गिलानिया दे विच पैदा होए सीगे। यह पिछे उन्होंने जिहड़ा तबरकात भी रखे आ और मेरे तुसीं इधरली साइड से देख सकते हो उन्हों का मज़ार आ। तुहानू तबरकात दिखाने फिर इस तों बाद तुहानू जिहड़ा वा ना वो मज़ार दिखावांगे। यह देखो तुरबत मुबारक है वा जिथे वो तुहानू दिखाने। यह जिहड़े वो तबरकात जिहड़े उन्होंने इस्तेमाल च रहे ने। कवालिया का सिलसिला जारी आ। वो सामने साइड पर मेरे जिहड़ा वा वो कवालिया जिहड़ा हो रही है वा, लोग आ रहे आ बहुत। और इधरली साइड पर जिहड़ा ना वो तुरबत मुबारक उन्होंने है वा। इन जिहड़े पंजाबी दे बहुत बड़े शायर सीगे। इन्हां दे जिहड़ा सूफिया जिहड़े शायर सीगे तुरबत जिहड़ा इन्हां दी। और अगे तुहानूं जिहड़ा इन्हां दी हिस्टरी दस्सदे आ, इन्हां दी हिस्टरी जिहड़ा वो सुनो उन्नी देर तक तुहानूं जिहड़ा अगे भी तुहानूं दिखाने आ। इन्हां दी पहले हिस्टरी दस्सदे आ, चलो इन्हां दी हिस्टरी सुन लो। हज़रत बाबा बुल्ले शाह ने वालद से इब्तदाई तालीम हासिल की, बाद कसूर जाकर कुरान हदीस और मंतक में आला तालीम हासिल की। एक ख़ास सतह तक हसूले इलम के बाद इन पर इंकशाफ हुआ कि दुनिया भर के अलूम को हासिल करके भी इंसान का दिल मुतमिन नहीं हो सकता। सुकून कलब के लिए सिर्फ अल्लाह का तसव्वुर ही काफ़ी है। हज़रत बाबा बुल्ले शाह खुद सैयदजादे थे लेकिन उन्होंने शाह अनायत के हाथ पर बैत की जो ज़ात के अराई थे। इस तरह बाबा बुल्ले शाह ने ज़ात पात फिरके और अकीदे के सब बंधन तोड़कर सुलह कल का रास्ता अपनाया। मुर्शिद की हसीयत से शाह अनायत के साथ इनका जुनून अमेज़ रिश्ता इनकी माँ बैदुल तबीयात से पैदा हुआ था। वो पक्के वहदतुल वदूदी थे इसलिए हर शय को मज़हरे खुदा जानते थे। मुर्शिद के लिए इंसान कामल का दर्जा रखते थे।
मसलहत अंदेशी और मुताबकत पजीरी कभी भी इनकी ज़ात का हिस्सा ना बन सकी। ज़ाहरी पसंदी पर तनकीदो तंजिया हमा वक्त इनकी शायरी का पसंदीदा जुज रही। इन्होंने शायरी में शरा और इश्क को एक लड़ी में परो दिया और इश्क को शरा की मिराज करार दिया। इनके काम में इश्क एक ऐसी ज़बरदस्त कुव्वत बनकर सामने आता है जो शरा पर चलकर पैगाम हुसैनियत को फ़रोग देता है और यजीदियत को हमेशा के लिए शिकस्त देता है। हज़रत बाबा बुल्ले शाह ने प्यार मोहब्बत के पैगाम को फ़रोग दिया। अरबी फ़ारसी में आलम होने के बावजूद उन्होंने पंजाबी को ज़रिया अजहार बनाया ताकि अवाम से राबते में आ सकें। अपनी शायरी में वो मजहबी ज़ाब्तों पर ही तनकीद नहीं करते बल्कि तरके दुनिया की मजम्मत भी करते हैं और महज इलम के जमा करने को वबाल जान करार देते हैं। इलम की मुखालफत असल में इलम बग़ैर अमल की मुखालफत है। अगर बेनज़ीर गायर देखा जाए तो एहसास होता है कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह की शायरी आलमगिरी तनकीद परस्ती के ख़िलाफ़ रद्द अमल है। इनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा चूँकि लाकानूनीत खाना जंगी इंतशार और अफगान तला आजमाओं की वैश्याना महमों में बसर हुआ था इसलिए उसका गहरा असर इनके अफकार पर भी पड़ा। इनकी शायरी में सुलह कल इंसान दोस्ती और आलमगीरी मोहब्बत का वजूद रस मिलता है। वो इसी मारूजी सूरत हाल के खिलाफ रद्द अमल है। Thank you.